दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। प्याला गांव में देखिए महावीर तंवर का जोरदार स्वागत हो रहा है और जहां भी जाते हैं वहां पर स्वागत ही होता है। हमने आपको दिखाया है। हाँ जी बिल्कुल आ गए हैं। आपके स्वागत को देखते हुए और आपके कैंपेन को देखते हुए जरूर आ गए हैं। देख रहे हैं बिल्कुल यहां पर समर्थन मिल रहा है। आशीर्वाद मांग रहे हैं महावीर तंवर और सभी गांव की तरह प्याला गांव में भी इनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और महावीर तंवर बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट हैं कि सभी गांव वाले खुद ही बुलाते हैं, स्वागत करते हैं और समर्थन का भरोसा देते हैं। तो प्याला गांव है, एक बड़ा गांव है, करीब 3,000 वोटर हैं यहां पर और अधिकतर लोग इन्हीं को वोट देना चाहते हैं। और भी उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं लेकिन उनकी उतनी लहर नहीं है, इसलिए यहां के वोटर समझ गए हैं कि महावीर तंवर को जिताएंगे तो काम बन जाएगा और इनकी जीत हो जाएगी और किसी और को देंगे तो वोट बट जाएंगे। तो बातचीत भी करेंगे, गांव वालों से भी बातचीत करेंगे, महावीर तंवर से भी बातचीत करेंगे। एक एक करके सीनियर दिख रहे हैं। सर नमस्कार, आप साथ हैं इनके? गांव के कौन है आप हैं सर? सर नमस्कार, आपसे नमस्कार। नमस्कार जी। सर महावीर तंवर वोट मांगने आए हैं, समर्थन मांगने आए हैं, अधिकतर गांव वालों ने एक तरफा समर्थन दे दिया है, आपके यहाँ क्या माहौल है सर? हमारे यहाँ महावीर जी का बहुत अच्छा वो है, पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित हैं, पहले भी ये पार्षद रह चुके हैं यहाँ से और अब के भी, और पब्लिक का जो रुझान है वो महावीर जी की तरफ है और अच्छे ही भारी मतों से यहाँ से ज्यादा से ज्यादा वोट है ये लेके जाएंगे। तो आपको भी लग गया है कि इन्हीं की जीत होने वाली है? हमें लग रहा है कि इन्हीं का यहाँ पे रुझान ज्यादा है। सर आप भी सब जी गांव के रहने वाले हैं? हम यही से हैं। बहुत बढ़िया है, आपको भी लग रहा है अच्छे? हाँ जी, नहीं नहीं बहुत अच्छे लगे हैं, बढ़िया है। आपको भी? हाँ जी हाँ जी, सबको लग रहा है कि अच्छे कैंडिडेट हैं। देख रहा हूँ, उधर भी दिखाओ। गांव के युवा गर्म जोशी से स्वागत करते हुए, आप सब यही के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, युवाओं से बातचीत करेंगे। हाँ भैया प्याले वाले आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। देखो जो भी समर्थन कर रहा है हम जरूर दिखा रहे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश देशवाल है जी। अच्छा, मैं यहीं से। हाँ जी प्याले गांव से ही है। अच्छा, हाँ जी लग रहा है महावीर ठीक है? हाँ जी बहुत ठीक है, सबसे बेहतर कैंडिडेट यही है क्योंकि 3 बार जो है हमने कुछ खेलों का आयोजन कराया प्याले गांव में, 3 बार जो है पूरा सहयोग दिया महावीर जी ने और आने वाले समय भी हमें इनसे बहुत उम्मीद है कि प्याले गांव के लिए क्या ये पूरे मतलब अपने जो भी गांव लगते हैं जिला पार्षद में उनके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। अच्छा, महावीर जी। हाँ जी, चुनाव चिन्ह जानते हैं इनका? चुनाव चिन्ह? हाँ जी, इनका वो है गेंद और हॉकी पहचान। हाँ लेंगे? हाँ जी बिल्कुल। चलो ये हमारे कैंडिडेट हैं और हाँ जी भैया सब आप प्याला गांव वाले सपोर्ट कर रहे हो, युवा जितने भी हैं भाई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है इनको वोट देकर वोट खराब नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल खराब नहीं जाएगा जी, हमें लग रहा है हमारे जो भी 10 गांव हैं 9 गांव जो भी आ रहे हैं इसमें मतलब उनके अंदर बहुत ही अच्छा विकास होगा, बल्लभगढ़ के अंदर के पूरे फरीदाबाद के अंदर ये जान जाएगी पब्लिक कि महावीर तंवर जी कुछ हैं। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए अधिकतर जो युवा हैं, भैया कुछ कहना चाहते हो? सपोर्ट है आपका, अधिकतर युवा जो हैं वो सब सपोर्ट ही कर रहे हैं। और भैया कुछ आप भैया सब सपोर्ट कर रहे हो? फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें चेयरमैन बनेंगे महावीर तंवर जब जीतेंगे और चेयरमैन की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, महावीर तंवर ने पहले भी बताया है, और चेयरमैन बन जाएंगे तो ये काम कर पाएंगे, जो भी फंड्स वगैरह मिलेंगे जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उसको ला पाएंगे। बाकी महावीर तंवर बताएंगे वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से गाँव का विकास करेंगे और किस तरह से समस्याओं का समाधान करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज कैंपेन का मतलब एक तरह से कल आखिरी दिन होगा, तो आज और कल 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन में ये लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, जहां भी इनकी पहुंच है वहां पर ये लोग जा रहे हैं। तो बाकी अभी महावीर तंवर से बातचीत करते हैं, आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें, पूरा लाइव प्रोग्राम है। आदे आदे।
कितने वोट हैं गांव में? कितने वोट हैं? 3200। तो काफी ज्यादा वोट हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, खंदावली के बाद यहीं पे सबसे ज्यादा वोट हैं। खंदावली के बाद यहीं, बिल्कुल बिल्कुल, खंदावली में सबसे ज्यादा वोट हैं। दूसरे नंबर पे ये आपका पियाला गांव है। तो थोड़ा सा महावीर तंवर से बातचीत कर लेंगे, क्योंकि गांव वालों से ये अपील करेंगे और इनकी अपील को हम दिखाएंगे। ये 3000 से ऊपर आप? हाँ हाँ, आ जाइए। पियाला गांव में सर आए हैं, अभी हमने देखा आप शाहपुर खुर्द गांव में थे, तो वहाँ भी आपका एक तरफा समर्थन मिल गया है करीब करीब। अब यहाँ भी करीब करीब समर्थन मिल रहा है, करीब 3000 वोट हैं, और उनसे क्या अपील है गांव वालों से? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल माध्यम से भी और यहाँ बैठी सरदारी को सबसे राम राम करता हूँ। और जहाँ तक समर्थन की बात है, तो जो सच्चाई ईमानदारी विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें जनता का साथ है। क्योंकि अभी क्या है कि लोग समझदार हैं और वो विकास चाहते हैं और कुछ नहीं है। कुछ भी कोई बात कर ले, कैसे ही बरगला ले कोई, सबको पता है कि भैया ये मुश्किल से चेयरमैन ही आई है ना। और आपको बता देता हूँ कि 1994 से जब ये पंचायत राज लागू हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी वार्डबंदी हुई है, जो यहाँ से जीतेगा वो चेयरमैन बनेगा। और ये तो प्याला तो हमारा अपना गांव है, बारह का गांव है, पड़ोसी गांव है, आना जाना है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मेरे ऊपर एहसान कर रखा है, मेरा भी फर्ज निभाने का मौका है। क्योंकि जब चेयरमैनशिप आएगी तो उसमें फंड भी आएगा, उसमें ज़्यादा पावर भी आएंगे, तो मेरा भी फर्ज निभाने का मौका है कि भाई मैं भी कुछ करके दिखाऊं। इन्होंने तो मुझे प्यार दे रखा है पहले और अभी भी मूड बना रखा है, जैसे आपने पूछा भी बुजुर्गों से भी युवाओं से भी, इनका अभी भी मूड है। अब तो मेरी जिम्मेदारी है कि जब 27 तारीख को गिनती होगी और उसके अगले सप्ताह जब शपथ होगी, उसमें मैं कितना तेजी से कितना अच्छे से काम कर पाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ की पब्लिक से क्या अपील? जनता से अपील करूँगा कि सच्चाई ईमानदारी विकास की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें सहयोगी बने, और उसमें जब 22 तारीख को वोटिंग होगी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इकट्ठे होकर वोट डालें, बगैर द्वेष भावना के, बगैर लड़ाई झगड़े के, है ना। क्योंकि उम्मीदवार सब ये उम्मीद रखते हैं कि जनता का प्यार मिले, और उसमें जो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके अपना अपनी किस्मत का अपनी मेहनत का सब लोग लेते ही हैं। तो मैं जनता से अपील करूँगा कि एक तरफा वोट डाले, क्योंकि ये जो विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसमें सहयोगी बने, इकट्ठे होके, कोई इसको डिवाइड ना करे। क्योंकि कई बार डिवाइड होने से ना जो लोगों की उम्मीद है उन पर कई बार ना थोड़ा सा उनको नुकसान होता है। तो मैं कहता हूँ कि इकट्ठा होके वोट डालें। और सीरियल नंबर 5 जिला परिषद का, सीरियल नंबर 5 हॉकी और बॉल का जो निशान है, हॉकी और गेंद का, उस पर निर्दवा दें। लोगों का मन बन चुका है, लोगों ने जीत पक्की कर दी है, लेकिन 22 तारीख का, क्योंकि ये हमारा चुनाव का तरीका है कि मत जो डलेगा वो या तो मशीन से डलेगा या मत पेटी में डलेगा, तो जो बटन है सीरियल नंबर 5 जिला परिषद का, हॉकी और बॉल का जो निशान है उस पर निशान लगा दें, और उसके बाद 5 साल जिम्मेदारी मेरी विकास की। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए अपील कर रहे हैं कि हॉकी का बटन दबाएं और मुझे जिताएं। बाकी देखते हैं पब्लिक किस प्रकार से सपोर्ट करती है। 22 नवंबर को मतदान है, अभी प्रचार के 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन ये लोग पूरा जोर लगाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हाँ, कल रोड शो है, थोड़ा बता दीजिए रोड शो के बारे। वैसे तो आपकी जीत पक्की है, तो क्यों मेहनत? एक मिनट सर, देखिए एक तरफा सपोर्ट मिलता जा रहा है सभी गांवों से, सबको पता चल चुका है महावीर तंवर ही जीतेंगे, लेकिन अब क्यों, क्या जरूरत है रोड शो करने की? नहीं नहीं, जरूरत मुझे नहीं है, जरूरत मेरे जो क्षेत्र की जनता है, 9 गांव की जनता, उनको वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम एक बार खुले में सबके सामने दिखाना चाहते हैं हम एकजुट हैं, हमें कोई अलग अलग नहीं है, और हम इकट्ठे होकर जब मतदान करने जाएंगे तो ये उसकी एकता का, ये कोई मुझे मेरा रोड शो नहीं है, ये जनता का रोड शो है। अच्छा। तो ये जनता ने अपना एहसास दिलाना है कि भाई सब लोग इकट्ठे होके और साथ साथ चलो, और जब 22 तारीख को वोट डलेगी सेल नंबर 5 पर हॉकी और गेंद का जो निशान है उस पर बटन दबाए, ये जनता का मैसेज है। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए महावीर तंवर ने अपील कर दी है, बाकी देखते हैं। देखिए पब्लिक सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन असली सपोर्ट 22 नवंबर को पता चलेगा और 27 नवंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।